हंसाने और हैरान करने वाले कई वाकयात से सजी वॉइस डेली की एक ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ आपसे मिलने हम फिर आ गए हैं। लेकिन यूं लगता है कि हमारी तरह कुछ आजकल आप ऐसी मुलाकात पर एक्साइटेड नहीं होते। तभी तो नोटिफिकेशन मिलने के बावजूद वीडियोस के व्यूज दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। तो भले आप हमसे मिलने कम कम ही आए, हम ये साथ नहीं टूटने देंगे और शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले नीचे मौजूद लाइक का बटन प्रेस करना और रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलना। तभी तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस डेली आप तक पहुंचती रहेंगी। बेचारे मर्दों के दिमाग में एक साथ इतनी चीजें चल रही होती हैं कि अक्सर वो कुछ काम करना भूल जाते हैं और देखने वालों को लगता है कि वो खासे भुलक्कड़ हैं। गालिबन इंडोनेशिया के इन दो हजरात के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। रेड जैकेट पहने ये आदमी अपनी बाइक पर एक स्टोर आता है और अपनी बाइक खड़ी करके अंदर चला जाता है। उसके कुछ सेकंड के बाद ही एक और आदमी उसी कलर और मॉडल की बाइक लेकर वहाँ पर आता है और उसके बिल्कुल बगल में खड़ी करता है। स्कूटर का इंजन ऑफ करने के बाद चाबी लगी रहने देता है और जब सुर्ख जैकेट वाला आदमी बाहर आया तो एक नजर में दूसरे आदमी के स्कूटर को अपना स्कूटर समझा और किक मारकर उसे ही ले गया। बेचारा असल मालिक बाहर आया तो उसके तो अपना स्कूटर गायब देखकर होश उड़ गए। लेकिन इससे पहले कि उसे हार्ट अटैक आता, गलत स्कूटर ले जाने वाले को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो वापस आता है और दोनों एक दूसरे की गायब दिमागी पर हंसते हुए चले जाते हैं। वैसे कभी आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है? कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों आजकल दुनिया भर में अंडे फोड़ने वाली एक नई गेम बहुत वायरल हो रही है। यहाँ पर ये सब दोस्त भी मिलकर कुछ इसी तरह की गेम खेल रहे थे। इन भाई साहब को अपने दोस्तों पर अंडे फोड़ने का चांस मिला तो वो इस कदर एक्साइटेड हुए कि भागते भागते फिसले और खुद ही अंडे पर जा गिरे। बेचारे दूसरों को गंदा करने के चक्कर में खुद जलील हो बैठे। आपने यकीनन बड़े बड़े वॉरशिप्स देखे होंगे जिनसे फाइटर जेट्स टेक ऑफ करते हैं और उन पर लैंडिंग भी होती है। लेकिन हम आपको बताएं कि जहाज उड़ाने और उतारने से कहीं ज्यादा मुश्किल समंदर की लहरों के बीचों बीच हिलते हुए शिप के ऊपर फाइटर जेट पार्क करना होता है। यकीन ना आए तो ये वीडियो देख लीजिए कि पायलट कैसी महारत और एहतियात के साथ मिलियंस ऑफ डॉलर का फाइटर जेट पार्क कर रहा है। और इस पायलट की स्किल के क्या ही कहने जो ऐसे रनवे पर लैंड कर रहा है जिसके एक तरफ पहाड़ और सामने समंदर है और लैंडिंग करते वक्त जहाज रोड पर खड़े लोगों के सरों से सिर्फ चंद फुट के फासले से गुजरता है। यानी पायलट की एक छोटी सी गलती बहुत बड़े हादसे को जन्म दे सकती है। लेकिन यकीन मानिए कि स्विट्जरलैंड के इस मोस्ट डेंजरस रनवे पर आज तक कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, ना कमाल की बात। वरना हादसे का क्या है, वो तो कहीं भी हो सकता है। जैसा कि इस वीडियो में देखिए कि एक्सकेवेटर के जरिए एक घर को डिमोलिश किया जा रहा था और कुछ देर काम करने के बाद ऑपरेटर वो मशीन रोकता है और मलबे में से कुछ जरूरी चीजें उठाना शुरू करता है और जू ही वो झुकता है उसी वक्त उस मशीन के अगले वाला हिस्सा टूट कर उसके बिल्कुल करीब आ गिरता है। और यकीनन इन भाई साहब की किस्मत बहुत तेज थी, वरना मशीन का इतना भारी हिस्सा इन पर गिरता तो इनका कचूमर निकल जाता। बैठे बिठाए नुकसान हो जाने की एक और क्लिप आपको दिखाते हैं जिसमें ये भाई साहब अपनी नई नवेली व्हाइट सुपर कार का फ्यूल टैंक फिल करवाने के लिए लाते हैं और उनके पेट्रोल भरते भरते अचानक उनकी गाड़ी में आग भड़क उठती है। अब ऐसी खतरनाक सिचुएशन में भी इस आदमी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करते हुए सबसे पहले तो फ्यूल नोजल को बंद किया और अपनी सुपर कार को यूं ही जलता देखता रहा। वैसे हमें बिल्कुल समझ में नहीं आई कि अचानक इस तरह गाड़ी में आग भड़क कैसे उठी। कुछ लोगों का कहना यह है कि हो सकता है कि फ्यूल भरते हुए इसने अपनी गाड़ी का इंजन बंद न किया हो और बाज लोग तो ये भी कहते रहे कि पास खड़ा आदमी जैसे उसकी गाड़ी को देख रहा है यकीनी तौर पर उसने नजर लगा दी है। वेल, इस बारे में आपका क्या ख्याल है जरूर बताइएगा। कुछ अरसा पहले इंटरनेट पर एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई जिसमें एक अजीबोगरीब दिखने वाली क्रिएचर बैठी हुई थी। लोग ये पूछते रहे कि आखिरकार ये कोई जानवर है या इंसान और बहुत से व्यूअर्स के लिए ये एक मिस्ट्री ही रही। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि असल में ये एक बंदर को मास्क पहनाया गया था और उसकी हरकतें देखकर यूं लगता था कि जैसे कोई एलियन बैठा हुआ है। दोस्तों आपने इंजेक्शन लगवाने से डरने वाले इंसानों की तो बहुत मजेदार वीडियोस देखी होंगी, लेकिन जितना खौफ इंसानों को इंजेक्शन से आता है जानवर भी उतना ही डरते हैं। जानवरों के ये डॉक्टर भी बीमार गाय का इलाज करने के लिए उसे इंजेक्शन लगाना चाहती थी लेकिन वो बछड़ा हाथ ही नहीं आ रहा था। लेकिन डॉक्टर साहिबा भी कुछ कम ट्रेंड नहीं थी, उसने सबसे पहले तो इंजेक्शन मुँह में दबाया और फिर बछड़े को कान से पकड़ कर काबू किया और मौका मिलते ही उसकी गर्दन में इंजेक्शन ठोक दिया। तो अगली बार इंजेक्शन लगवाने से डरो तो ये देख लेना कि कहीं आपका डॉक्टर भी कुछ इसी किस्म का ना हो।
यूज़ कुछ दरख्त जब पुराने होते हैं तो अंदर से खोखले होते जाते हैं और ऐसे दरख्तों में बाज़ुकात परिंदे अपने घर बना लेते हैं। लेकिन अमेरिकन स्टेट जॉर्जिया के सदरन फॉरेस्ट वर्ल्ड में जब एक ऐसे ही दरख्त को काटा गया तो लेबर को उस दरख्त से एक कुत्ते का पिंजर मिला। गुमान ये किया जाता है कि दरख्त खोखला होने की वजह से ये कुत्ता किसी परिंदे को पकड़ने के लिए उसके अंदर गया और फंस गया और कोई इसको देख ना पाया। चुनाचे वहीं पर फंसे फंसे उसकी मौत हो गई और उसके आखिरी एक्सप्रेशन उसकी हड्डियों के पिंजर तक सेव रहे। इस दिल दहला देने वाले वाक्य को यादगार के तौर पर जॉर्जिया के सदरन फॉरेस्ट वर्ल्ड म्यूजियम में इसी तरह रखवा दिया गया। अब आपको दिखाते हैं एक ऐसी वीडियो जो हैरान कर डालेगी। आप जानते ही हो कि आर्मी या पुलिस में जाने के लिए कुछ खास किस्म की बॉडी चाहिए होती है। पुलिस कांस्टेबल के लिए टेस्ट देने आने वाले इस नौजवान की हाइट जरूरी करार दी गई हाइट से 2 इंच कम थी, लेकिन भाई साहब ने हार नहीं मानी और अपने सर पर बालों की एक ऐसी विग चिपका ली कि किसी तरीके से इनकी हाइट 2 इंच बढ़ जाए। लेकिन भाई साहब ये भूल गए कि ये पुलिस ही को ठगने जा रहे हैं, जिनका तो प्रोफेशन ही इस तरह के ठगों को पकड़ना है, और ये भाई साहब थानेदार बनने से पहले पहले ही थाने पहुंच गए। अरे नहीं दोस्तों, ये किसी दुल्हन की तरह डोली में दुल्हे की रुखसती नहीं हो रही, बल्कि बहुत ज्यादा बारिश की वजह से जब गांव में हर जगह पानी खड़ा हो गया तो दुल्हे का ड्रेस खराब होने से बचाने के लिए गांव वालों ने ये जुगाड़ निकाली। अब आप सोचिए कि जब दुल्हन ने अपने दुल्हे मियां को इस तरह डोली में बैठकर आते देखा होगा तो उसके एक्सप्रेशन क्या होंगे। लेकिन वो छोड़िए, आप इस दुल्हे के तासुरात के बारे में सोचिए, जिसकी शादी के मौके पर नशे में धुत एक आदमी आकर उसकी दुल्हन के साथ डायलॉग बाजी करने लगा, लेकिन फिर दुल्हन ने भी उसकी जैसे छुट्टी करवाई, वो भी लाजवाब थी। काजल तुम सही बोलो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता। तुम बोलो, तुम मुझसे प्यार करती हो ना? मैं तुम्हें जानती भी नहीं और प्यार का बात तो दूर है, चले जाओ यहाँ से। देसी शादियों पर आपने दोस्तों रिश्तेदारों को अजीबोगरीब किस्म के डांस करते तो देखा होगा, मगर इन भाई साहब के रंग में कुछ अलग किस्म का भंग डला। ये लड़कियों के साथ फुल पार्टी मूड में थे, इनका बना बनाया काम बिगाड़ने के लिए अंकल कुछ अलग ही किस्म का आइडिया लेकर आए। मगर दोस्तों, ऐसा दीवानावार डांस आपने जिंदगी में नहीं देखा होगा। इन अंकल जी को कवाली इस कदर पसंद आई कि फ्रंट फ्लिप लगाते हुए उसे दाद देने के लिए नाचते पहुंच गए और जाकर सीधा कवाल ही पर चढ़ गए। वो कवाल भी सोचता होगा कि भाई ऐसी दाद तो मैंने मांगी भी नहीं थी। मांगने से याद आया कि इस छोटे बच्चे के स्वैग ने आजकल इंटरनेट पर लाखों लोगों के दिल जीते हुए हैं, क्योंकि ये आकर कहता है कि अपनी मर्जी से जो मदद करनी है वो कर दो, मैं रो रो कर एक्टिंग नहीं कर सकता। 5 किलो वाला आटा दिला दो भैया। भैया मेरी माँ का तबीयत खराब है भैया, ऐसा इंसान नहीं हूँ भैया। आपका दिल जो देना होगा दो, वरना लाइक करो फॉलो करो। तो व्यूज, कहिए कैसी लगी वॉइस डेली की आज की एपिसोड। अगर पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस फ्यूचर में हासिल करना चाहते हैं तो रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाना। बहुत जल्द किसी ऐसी एपिसोड के साथ दोबारा आपसे मिलेंगे। देखते और सुनते रहिए वॉइस डेली।